हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक छोटी सी पोयम लेके आई हूँ। मैं हूँ स्वाति और पोयम का टाइटल है कोविड और उससे जन्मी समस्याएं। जो हम समस्या एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉमन मैन हम फेस करते हैं, मैंने उसको छोटा सा जो है वो पोयम में उतारने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम के साथ। तो स्टार्टिंग है यहाँ से। लो, बेरोजगारी कम थी कि अब कोविड आ गया। फिर एक बार एक अनदेखा शैतान हमारे सपनों को खा गया। लो, बेरोजगारी कम थी कि अब कोविड आ गया। अभी हम संभले ही थे, सरकार से उलझे ही थे कि फिर अपनी खुशियों को एक ताला लग गया। लो, बेरोजगारी कम थी कि अब कोविड आ गया। पहले वक्त गुजरता था नौकरी की आस में, पहले वक्त गुजरता था नौकरी की आस में, अब वक्त गुजरता है ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में। एक सुबह वो होती थी जब जाते थे हम अपनी क्लास में, एक सुबह वो होती थी जब जाते थे हम अपनी क्लास में, अब एक सुबह होती है जब सिर्फ यादें ही हैं पास में। सुबह जाना, टीचर का आना, उनका हमें पढ़ाना और हमारा उन्हें सताना, आज यूं लगता है मानो बीत गया वो जमाना। नन्ही पलकों पर सपने हजार बुने थे, नन्ही पलकों पर सपने हजार बुने थे, आशाओं के दिए एक कोने में जले थे। लौटा दो हमें फिर वही क्लास जहां ले पाए हम खुल के सांस। आज हालात देखे तो सोचा एक पेड़ लगा दूं, आज देश के हालात देखे तो सोचा एक पेड़ लगा दूं, पर फिर याद आया जब लगाने का वक्त था तब कहाँ था तू। फिर पास से एक आवाज आई, भाई मैंने तो हर साल नए पेड़ लगाए हैं। मैंने उसे समझाया कि भाई सिर्फ एक से नहीं, हम जैसे कई दरिंदों ने ऐसे बेजान पेड़ अपने स्वार्थ के लिए कटाए हैं। कल फोन आया मेरे रिश्तेदार का, बोले चाचा बहुत बीमार हैं, 100 से ऊपर बुखार है। बोलते बोलते उनकी सांसें भी फूल गई और मेरी जान वहीं आधी अटक गई। मैं दौड़कर गया दोनों को ले गया हॉस्पिटल। बदकिस्मती देखो, एक भी बेड नहीं था अवेलेबल। जोड़े हाथ मैंने गिर गया उनके पैरों में, पर वो भी क्या करते, एक भी बेड नहीं था शहरों में, बस इधर उधर लाशें बिखरी थी हजारों में। सोचा मैंने काश ये मंदिर में पैसा ना दिया होता, मैंने सोचा काश ये मंदिर में पैसा ना दिया होता। अगर दिया होता किसी हॉस्पिटल में तो आज चाचा के लिए यहाँ एक बेड होता। सोच रहा था मन ही मन, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है वो मेरे भगवान, कोई तो बचा लो, जा रही है मेरे चाचा की जान। एक आवाज आई, पास में गुरुद्वारा है, अब वही तुम्हारा सहारा है, जाओ वहां बेड और ऑक्सीजन दोनों फ्री मिलेगा। तब लगा मेरा राम तो बस वहीं मिलेगा। जैसे ही चाचा ठीक होकर घर आए, मैंने भी फिर अपनी जेब से कुछ पैसे किसी की मदद में लगाए। जैसे ही चाचा ठीक होकर घर आए, मैंने भी फिर अपनी जेब से कुछ पैसे किसी की मदद में लगाए। कल एक शमशान के पास से गुजरा, आंखें धस गई देख के वहां का नजारा। अब तक इतनी लंबी लाइन सिर्फ खाने पे देखी थी मैंने, अब तक इतनी लंबी लाइन सिर्फ फ्री खाने पर देखी थी, पर आज तो अपनों को जलाने के लिए थी। कलेजा फट गया, सांसें थम गई, मेरा कलेजा फट गया, सांसें थम गई, बस यही ख्याल आया कि ये मेरे देश की क्या हालत हो गई। आज वक्त बहुत बुरा है मेरे भगवान, बचा लो अपने बच्चों की जान, मत छीनो हमारी मुस्कान, नहीं भूलेंगे तेरा ये एहसान, प्लीज बख्श दो ना हम सबकी जान। तो ये थी एक छोटी सी पोयम आपकी अपनी स्वाति सैनी की तरफ से। तो आई होप आपको ये पसंद आए, आप इससे रिलेट कर पाएँ और
तब तक के लिए इतना ही बोलूँगी, जो भी लोग हैं जिनके रिश्तेदार या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, वो अपनी में हिम्मत रखिए और जितना हो सके इस कोविड से बचिए, बाहर जाने से बचिए और अपना और अपने पास वालों का ध्यान रखिए। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में इतने सारे बेवजह आप लोगों ने वो कर रखे हैं स्टोर, प्लीज़ उससे किसी की मदद कीजिए। और ये टाइम ऐसा है कि आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, तो जितना हो सके आप अपनी जेब से पैसे थोड़ा थोड़ा ही सही निकाल के किसी गरीब की हेल्प ज़रूर करिए। और जो लोग यहाँ पर ब्लैक में चीज़ें बेच रहे हैं और इस टाइम पे भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और इतने गलत दामों पे बेच रहे हैं और मनगढ़ंत दामों पे बेच रहे हैं, प्लीज़ सुधर जाओ, ऊपर वाला तो एटलीस्ट आप लोगों को देख ही रहा है। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।